10 तारीख को 6 बजे 100% में चुनाव की भाषा बंद कर दूंगा। गांव की तरह आबादी बसी हुई है, उनको आबादी में कन्वर्ट करवा कर उन सभी ढाणियों वासियों को पट्टे जारी करवाना, ये मेरा उस समय भी लक्ष्य था और मैं इस लक्ष्य को आज भी साथ लेके चलता हूँ कि अमुक व्यक्ति किसको वोट डाल रहा है और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ये मेरे लिए वो महत्व नहीं रखता। पंचायत राज के चुनाव के अंतिम चरण में झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं 10 अक्टूबर को। आज हम पहुंचे हैं नांगल ग्राम पंचायत में, जहां पर पूर्व सरपंच सुखराम सैनी की पत्नी सरस्वती देवी चुनावी मैदान में, जिनका चुनाव चिन्ह है कैमरा। सुखराम सैनी 2005 से 2010 के बीच में सरपंच रह चुके हैं। क्षेत्र में पूर्व सरपंच सुखराम सैनी की मजबूत पकड़ होने से सर्व समाज के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वो जीत की ओर अग्रसर हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच सुखराम सैनी जी, उनसे बात करते हैं। तो सरपंच जी, ऐसी क्या कमी रह गई जो आप है ना फिर से चुनावी मैदान में? मैं 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत नांगल का सरपंच था और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समझते हुए मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए थे। उनमें मैं कोर्ट की तरफ से लेऊं तो ढाणी भाटा वाली, वहाँ पर मैंने अंगनवाड़ी का सब सेंटर खुलवाया था, अब उसको सब सेंटर बनाकर वहाँ भवन बनाने का कार्य है। भाटा वाली ढाणी, रामू राम की ढाणी, नवोडिया की ढाणी और काली घाटी की ढाणी, जाटाड़ा की ढाणी, ये 4-5 ढाणियाँ ऐसी हैं जो गैर मुमकिन पहाड़ में बसी हुई हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत प्रयास किया था, उनकी फाइलें बनाकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भेजी थी, फाइलें पूर्ण थी, किसी कमी के कारण से वो वापस आ गई थी, हमने उनको पुनः तैयार करके भिजवाया। उसके उपरांत ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए थे, हमें जनता ने पुनः अवसर नहीं दिया तो वो फाइलें अधूरी रह गई थी। मैं चाहता हूं कि पुनः अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मैं उन फाइलों को दोबारा तैयार करके वहां तक माननीय कलेक्टर महोदय तक भिजवाऊं और जो गैर मुमकिन पहाड़ भूमि है जिसमें गांव की तरह आबादी बसी हुई है, उनको आबादी में कन्वर्ट करवा कर उन सभी ढाणियों वासियों को पट्टे जारी करवाना, ये मेरा उस समय भी लक्ष्य था और मैं इस लक्ष्य को आज भी साथ लेके चलता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये लक्ष्य पूरा होगा। उसी की भांति राजपूत शमशान घाट के सामने जो सूर जोड़ बना हुआ था उसको हमने दुरुस्त करवाया, अब वहाँ अगर सुंदर पार्क बन जाए तो शमशान घाट का जीर्णोद्धार होगा। सर्व समाज शमशान घाट, सैनी समाज शमशान घाट और कब्रिस्तान, इनका भी जीर्णोद्धार होना अधूरा है। ग्राम पंचायत के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है, नांगल ग्राम विकास समिति के संयोजक श्री भरतपाल सिंह जी शेखावत ने गांव के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार करवाया है, उसके चारों तरफ जाल लगाकर सारा वृक्षारोपण किया है। हम सब मिलकर चाहेंगे कि वहाँ शानदार स्टेडियम बने और गांव के लिए एक सुंदर वो व्यवस्था हो। उसी की भांति यहाँ पानी की कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पानी के रिचार्ज होने के लिए विभिन्न प्रकार के सोखते कुएं बनाकर पानी को गहराई तक डालकर पानी का भंडारण किया जा सकता है, जिससे किसानों को राहत मिले और जो पानी की समस्या है उससे निजात मिले। अभी भी फिर पीने का पानी, अभी भी हमारे गांव में पानी के लिए माननीय श्री आदरणीय विधायक राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने 6 ट्यूबवेल तैयार किए हैं। उनकी इच्छा है कि ट्यूबवेलों का पानी प्रत्येक रसोई तक पहुंचे, तो मैं चाहूँगा कि ढेर में जितनी भी ढाणियाँ हैं उनमें पाइपलाइन पड़े, उनको पीने का पानी मिले और जो पानी की विकट समस्या है उससे उनको सबको निजात मिले। यहाँ विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें केवल एक ही सकाय है, हम चाहेंगे कि उसके अंदर विज्ञान सकाय है, अन्य विभागों के सकाय हैं, बायोलॉजी है, ये उसमें कॉमर्स का है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हों और विद्यार्थियों को यहाँ अन्य विषय पढ़ने के लिए व्यवस्था मिले। मैं चाहूँगा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल जो 5 वर्षों से पूर्व 5 वर्षों से इतनी अग्रसर है,
शानदार उसका रिजल्ट रहा है। हमारी जो प्राचार्य महोदया हैं कमला जी होलखा, उन्होंने शानदार गांव के सहयोग से स्कूल का विकास किया है, उसके लिए हम प्रसन्न हैं। उसको और आगे बढ़ाकर विद्यालय को एक नया आयाम देंगे और नांगल ग्राम का जिले में नाम बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी सोच है। मैं मेरे समय में भी निर्मल ग्राम के लिए बहुत अथक प्रयास करता रहा था, सफलता नहीं मिली। मैं 90% मार्क्स लेकर बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन चुनाव होने के कारण वो मेरा सपना अधूरा रहा। मैं पुनः प्रयास करूंगा, जिनके घर में शौचालय नहीं है, जहां गंदगी किसी कारण से है, उसको मैं दूर करूँगा। वृक्षारोपण पर मेरा ध्यान रहेगा, गाँव में भाईचारा बना रहे और किसी प्रकार की राजनीतिक द्वेषता यह नहीं रहे। तो सरपंच जी, अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पानी बिल्कुल सूख गया है, सिंचाई के लिए भी नहीं और पीने के लिए भी नहीं, और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत है वो इतना खारा है कि उसको जानवर और पक्षी भी नहीं पीते। तो मैं माननीय विधायक साहब के सहयोग से गाँव के अंदर, कोर्ट के अंदर और घर घर ढाणी ढाणी तक पीने के का पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा और ये पानी की जो विकट समस्या है इसको दूर करूंगा। सर्व समाज है, किसी भी समाज के, मैं नहीं ये कह सकता कि वो समाज मेरे को वोट नहीं करेगा, सभी समाज बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे। सैनी समाज है, राजपूत समाज है, मीना समाज है, गुजर समाज है, योगी समाज है, यहाँ के मुसलमान भाई हैं, कुमाऊत समाज हैं, स्वामी समाज हैं, मीना समाज हैं, और जो भी बचे हुए समाज हैं वो सभी समाज से मेरा अच्छा रिश्ता है और मुझे अच्छा वो रिस्पांस देते हैं, मेरा आदर करते हैं, मैं भी उनका आदर करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि सभी मिलकर 10 तारीख को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी, जो पूर्व में 2015 से 2020 तक वार्ड नंबर 11 से वार्ड पंच थी, उनको आशीर्वाद देकर मुझे गांव का विकास करने के लिए, गांव का नाम रोशन करने के लिए सबके सहयोग से आगे बढ़ाने का मुझे मौका देगी, ये मेरे को 100% विश्वास है। आप प्रतिद्वंदियों को भी गले लगाते हैं, ऐसा नामांकन के दिन दिखाई दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मत का विभाजन हो सकता है लेकिन मन का नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में 1% भी ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति किसको वोट डाल रहा है और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ये मेरे लिए वो महत्व नहीं रखता। चुनाव 10 तारीख को 6 बजे 100% मैं चुनाव की भाषा बंद कर दूंगा। जनता जो फैसला करेगी उसको मैं 100% स्वीकार करूँगा और चुनाव को लेकर किसी भी व्यक्ति को से किसी भी प्रकार की 25 वर्षों में मैंने आज तक नाराजगी नहीं बरती है और न भविष्य में ऐसा होगा, यह मेरा विश्वास है। 2012 में ग्राम नांगले नगरपालिका उदयपुरवाटी के तहत पेरा फेरी में आ गया था, तो उस समय किसी तकनीकी कमी के कारण गलत नामांतरण भरा गया था, जिसमें नांगल ग्राम की जो आबादी है वो पेरा फेरी में नहीं आनी चाहिए थी। गांव आबादी के रास्ते हैं, जैसे विद्यालय है, पंचायत भवन है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये सभी पेरा फेरी में लेकर गलत नामांतरण हो गया था, तो उसको रिमुक्त कराने के लिए वापस पुनः ग्राम पंचायत नांगल के नाम नामांतरण हो, इसके लिए मैंने मेरे नाम से माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील दायर कर रखी है। पिछले दिनों में उसकी तारीख थी तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने राजस्थान सरकार से गाइडलाइन मांगी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। मुझे विश्वास है राज्य सरकार ऐसा आदेश देगी और जो गलत नामांतरण पेरा फेरी के तहत भरा गया उसको मुक्त करते हुए पुनः ग्राम पंचायत नांगल के नाम ये नामांतरण शुद्ध होगा, जिसे ग्राम पंचायत गांव के प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर पट्टे जारी कर सकते, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो ये थे पूर्व सरपंच सुखराम सैनी, जिनकी इस बार नांगल ग्राम पंचायत में उनकी पत्नी सरस्वती देवी चुनाव मैदान में है। अब चलते हैं नांगल ग्राम पंचायत की जनता के पास, उनका क्या कहना है? ऐसा है जी, इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो राजनीतिक दुनिया ने की थी उनकी राजनीतिक फेल हो गई। क्यों हो गई? कि ओबीसी सीट आई थी और दुनिया को थप्पी दे दे करके और 6 कैंडिडेट खड़े कर दिए, और जिस कैंडिडेट ने 30 साल तक इस पंचायत के अंदर काम किया है और जो रात और दिन दुनिया के काम में आया है उसको हराने के लिए और कैंडिडेटों को खड़ा कर दिया गया।
लेकिन जनता बहुत अनुभवी है साहब। 2014 के बाद के अंदर हिंदुस्तान के अंदर चुनाव का ट्रेंड बदल गया है। हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है हमारा विकास कैसे हो, वैसे ही इस पंचायत की जनता चाहती है। काम करने वाला कौन है, अनुभवी कौन है? तो इसके अंदर साहब हमने एक अनुभवी कैंडिडेट सुन लिया, कर हमारे ग्राम पूरे नांगड़ गांव की पंचायत भी हुई थी जिसमें ढेर भी शामिल था। तो हमने ये तय किया है कि सुखराम सैनी जैसा कैंडिडेट नहीं है और कोई, और इनमें से एक दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट तो ऐसा है कि पहले भी एक दफे रह गया और वो गांव में क्या विकास किया वो गांव वाले खुद आकलन कर ले। तो साहब हमने तो बिल्कुल ये कल नांगल ग्राम ने तो ये कर दिया है कि हमारा कैंडिडेट सुखराम सैनी है और हम उसी को वोट दें।